हाँ बताइए बताइए क्या आप लोग समस्या। सरकार से चाहे चुनाव आयोग से चाहे डीएम साहब से अनुरोध है, विनती है कि हम लोग दुर्गा पूजा करना चाह रहे हैं, हम लोग के पूजा होने दिया जाए। इसमें कोरोना कहाँ से 10 आदमी 20 आदमी दुर्गा पूजा करेंगे, इसमें कोरोना हमारे गांव में नहीं है, इसमें कोरोना कहाँ से आ जाएगा। उनका आएगा बाहर बाहर से फोर्स आएगा इलेक्शन कराने, बाहर से अफसर आएगा इलेक्शन कराने, उसमें कोरोना नहीं है। हम लोग के पूजा में बाधा न दे, हम लोग का पूजा होने दे, तब हम लोग सही से वोट गिराएंगे, नहीं तो वोट का बहिष्कार करेंगे। क्या निर्देश दिया गया था यहाँ पे? निर्देश एक महीना पहले एला हुआ था कि पूजा होगा, मूर्ति भी बनेगा। अब डीएम साहब का दो दिन पहले आदेश दिए हैं कि दुर्गा पूजा नहीं होगा, तो दुर्गा पूजा से क्या दिक्कत है कोरोना का मैटर से? तो इस बार आप लोग वोट का क्या? वोट का हम लोग का पूजा ना होने देंगे तो वोट का हम लोग गांव में जिस गांव में ना होने देंगे उस गांव के आदमी बहिष्कार करेगा जनता लोग। कितना का आबादी होगा लगभग यहाँ? इस का आबादी है 1100-1200 के वोट का आबादी है। कहना है कि दुर्गा पूजा होगा तो हम लोग वोट देंगे, नहीं होगा तो हम लोग नहीं देंगे। सरकार के द्वारा जो नियम लगाया गया है कि इस बार दुर्गा पूजा कोरोना को लेकर नहीं किया जाएगा। कोरोना सब जगह है, एक जगह नहीं है। हमारा गांव में कोरोना के साबित नहीं है हमारे गांव में, तो हमारे गांव में दुर्गा पूजा होना चाहिए। तो क्या बोला गया प्रशासन के द्वारा? प्रशासन के द्वारा बोला गया कि कोरोना है इसलिए दुर्गा पूजा नहीं होगा, वोट होगा, हम लोग स्कूल में नहीं जाएंगे वोट गिराने। डीएम साहब से क्या मांग कर रहे हैं? डीएम साहब से मांग रहे हैं कि दुर्गा पूजा होना देने चाहिए। पूजा नहीं होगा तो वोट में तो सैकड़ों के सैकड़ों लोग रहता है, हजारों के हजारों लोग रहता है, उसी में तो हम लोग कोरोना पकड़ लेगा। कहाँ कहाँ के बाहरी लोग आएगा उसमें हम जाएंगे तो हमको तो कोरोना पकड़ लेगा। दुर्गा पूजा सोचते हम तो लोग गहबर में करे तो दुर्गा पूजा सरकार कहते नहीं करने के लिए, तो हम लोग वोट भी नहीं देने जाएंगे। दरवाजे पर आएंगे तो वोट देंगे, घर पीछे आएंगे तो वोट देंगे, बाकी स्कूल में वोट हम लोग नहीं। बताइए, हम लोग यहाँ पूजा का निर्माण किए हैं, यहाँ नेता लोग सभा कर रहे हैं तो वहाँ पर भीड़ नहीं जुटेगा। पूजा करने के लिए कहते हैं कि हम यहाँ पर भीड़ जुटेगा, कोरोना होगा, उन लोगों के सभा में कोरोना नहीं होगा। सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है कि नहीं करना है पूजा, नहीं करना है तो उन लोगों को इलेक्शन भी नहीं करना चाहिए। कैंपेन करेंगे, जगह जगह से आएंगे, वो लोग गांव में जाए कोरोना नहीं फैला सकते हैं। यहाँ जब गांव निवासी जिस गांव में है उस गांव में रोक लगाए, जिस गांव में नहीं उसमें क्यों रोक लगा रहे हैं? यही